व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफिन। आज बीनिश के टिफिन में क्या बनने जा रहा है? आज बनने जा रहा है चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, जो कि सबका मोस्ट फेवरेट होता है। जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं मोस्टली लोग इसको जरूर ऑर्डर करते हैं, चिकन मंचूरियन एग फ्राइड राइस को। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डिश को हम 3 स्टेप में रेडी करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, 1/2 kg बोनलेस चिकन लिए, इस तरह से इसके पीसेस क्यूब में कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाउल लेंगे, इसमें ये चिकन कन्वर्ट कर देंगे हम। अब हम इस चिकन में कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, मैं 1/2 kg बोनलेस चिकन के मुताबिक लिए हैं मैंने। 1/2 teaspoon सफ़ेद मिर्च, 1/2 teaspoon काली मिर्च, 1 teaspoon मैंने लहसुन पाउडर लिया है, यहाँ पर आप लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं। 1/2 teaspoon मैंने सॉल्ट लिया है। इन चारों चीज़ों को इसमें ऐड कर दूंगी मैं चिकन में। ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद 1 tablespoon इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे, 1 tablespoon विनेगर ऐड करेंगे, 1 tablespoon सोया सॉस ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने 1 1 tablespoon लिए हैं। सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चिकन को हमने 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। 15 मिनट्स हो गए इसको मैरिनेट हुए। 2 tablespoon मैदा ऐड करेंगे अब इसमें हम, 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इन दोनों को हम चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन इन कॉर्नफ्लोर और मैदे के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए, इसका जो मॉइस्चर है ये थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि चिकन में हमने सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस मिक्स किया था। अब हम चिकन को डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम इसको ऑयल में सेपरेटली डालते जाएंगे। सारी चिकन डीप फ्राई करने के लिए रख दिया है, इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। चिकन को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। इस चिकन को हम एक साइड पर रख देते हैं और इस चिकन के लिए एक सॉस रेडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉस के, किस तरह से इस चिकन मंचूरियन का सॉस बनेगा। फ्राई का बचा हुआ था ऑयल, वो उसमें से मैंने 2 tablespoon रहने दिया है इसमें। अब इसमें हम 1 tablespoon चॉप्ड लहसुन ऐड करेंगे, इसको हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे, ये मैंने तकरीबन 1/2 cup लिए, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1/2 cup जो है ऑनियन ऐड करेंगे। इन दोनों चीजों को मैंने क्यूब में कट कर लिया है, बस हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें 1 cup केचप ऐड करेंगे। अब इसमें 2 tablespoon चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon सिरका ऐड करेंगे, 1 teaspoon शुगर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको हमें हाई फ्लेम पर करना है। अब इसमें कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। 1/2 teaspoon सफ़ेद मिर्च, 1/2 teaspoon काली मिर्च, 1/2 teaspoon से थोड़ा कम सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा कम लेंगे। अगर बाद में आप चेक करके इसका सॉल्ट कम ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप बढ़ा सकते हैं, सॉल्ट की क्वांटिटी कम रखनी है। अब इन चारों चीज़ों को भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें 1/2 cup पानी ऐड करेंगे। इसमें 1/2 cup पानी और 1/2 cup चिकन की यखनी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर सॉस को थोड़ा सा थिक कर लेंगे। सॉस को मैंने इतना थिक कर लिया है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई की थी। इस चिकन को सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गया है हमारा चिकन मंचूरियन। अब इसको हम एक साइड पर रख देते हैं। अब हम 3rd step करते हैं। एग फ्राइड राइस की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1/2 kg राइस लिए,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन राइस को बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सा एक कनी छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बाद में हम उसका स्टेप करेंगे, तो अगर आप फुल बॉईल कर लेंगे तो राइस ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले इन राइस को बॉईल कर लेते हैं। राइस बॉईल हो गए, अब हम क्या करेंगे, दो एग लेंगे, इसमें पिंच ऑफ जर्दे का कलर ऐड करेंगे और इसको जर्दे के कलर के साथ एग को बीट कर लेंगे। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, इसको अब हम इस एग को इसमें डाल देंगे और इस एग को हम फ्राई कर लेंगे। ये फूड कलर इसलिए ऐड किया है इसमें जर्दे का कलर कि ये राइस में जो कलर आता है आप रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वो अलग ही उसमें एग उसमें प्रोमिनेंट होते हैं, इसलिए इसमें फूड कलर ऐड किया है। अब एग को थोड़ा सा साइड में कर देंगे और इसमें मैंने 1 टीस्पून चॉप गार्लिक लिया है, लहसुन लिया है, इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर सफ़ेद, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इन तीनों को भी इसमें ऐड कर देते हैं एग में। 1/2 कप से थोड़ा कम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, कैप्सिकम 1/2 कप से थोड़ी कम, स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर देंगे, इसका सिर्फ हमें स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट ऐड करना है। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हैं। राइस को हम सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हाई रखेंगे। इसमें आप कैरोट भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैरोट ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। फ्राइड राइस रेडी है, चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस को सर्व करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मंचूरियन को स्प्रिंग ऑनियन इस ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी तरह से मैंने सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सब लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, अगर आपको मेरी चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यू ज़बरदस्त यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।